अमेरिका भारत की सेना को आधुनिक बनाने में मदद के लिए तैयार है। दोनों देश मिलकर भारत की सैन्य क्षमताओं में अहम और सार्थक तरीके से सुधार कर सकते हैं। यह कहना है अमेरिका के एक शीर्ष कमांडर का। पिछले एक दशक से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा कारोबार करीब 15 अरब डॉलर के आंकड़े को छू चुका है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में इसमें बहुत ज्यादा तेजी आएगी। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत अमेरिका से कुछ नवीनतम मिलिट्री हार्डवेयर खरीदना चाह रहा है, जिसमें फाइटर जेट्स, लेटेस्ट अनमैंड व्हीकल और एयरक्राफ्ट कैरियर्स शामिल हैं, यूएस पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल हैरी हैरिस ने कहा। मैं मानता हूं कि अमेरिका भारत की सेना को आधुनिक बनाने में मदद करने को तैयार है। भारत अमेरिका का एक बड़ा रक्षा साझेदार है, हैरिस ने कहा। यह महत्वपूर्ण है और मेरा मानना है कि साथ मिलकर हम भारत की सैन्य क्षमताओं में महत्वपूर्ण व सार्थक तरीके से सुधार करने में सक्षम होंगे, एडमिरल हैरिस ने कहा। हम मालाबार सैन्य अभ्यास श्रृंखला में कई सालों से इंडिया के पार्टनर हैं। मैंने सबसे पहले सैन्य अभ्यास में हिस्सा भी लिया था जो 1995 में हुआ था। उन्होंने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि जापान भी अब मालाबार सैन्य अभ्यास का हिस्सा है, एडमिरल ने एक सवाल के जवाब में कहा। हम साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को अभ्यास में शामिल कर सकते हैं। इसमें फायदा है, हिंद महासागर में भारत और अमेरिका के बीच कई साझा हित जुड़े हुए हैं। हैरिस के मुताबिक भारत और अमेरिका मिलकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उन्होंने कहा। मैं खुश हूं कि भारत रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज RIMPAC में हिस्सा ले रहा है।